बाहुबली की सफलता के बाद एसएस राजामौली रामचरण और जूनियर एनटीआर अभिनीत एक और महान कृति आरआरआर के साथ फिर से वापस आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरेंद्र राघव चंदेल। हम लाए हैं आपके लिए यह 2022 की बहुप्रतीक्षित फिल्म आरआरआर बारे में कुछ विशेष जानकारी लेकर। प्रशंसक इसे सिनेमाघरों में देखने के लिए सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं। यह 28 अप्रैल 2022 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। 2020 से कोरोना वायरस महामारी के कारण आरआरआर को कई बार स्थगित किया गया है। निर्माताओं ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की और कहा कि अगर देश में महामारी की स्थिति बेहतर हो जाती है और सभी थिएटर पूरी क्षमता से काम करने के लिए खुल जाते हैं तो हम 18 मार्च 2022 को रिलीज होने के लिए तैयार है, अन्यथा आरआरआर मूवी 28 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। फिल्म दुनिया भर में रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में अपने रोल के लिए स्टार्स ने कितनी फीस ली? बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के अनुसार अल्लूरी सीताराम राजू की भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार रामचरण को इस फिल्म के लिए 45 करोड़ रुपए का पेचेक मिला, जबकि कोमाराम भीम की भूमिका निभाने वाले जूनियर एनटीआर ने आरआरआर के लिए 45 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अजय देवगन ने कथित तौर पर फिल्म के लिए 25 करोड़ रुपए और आलिया भट्ट ने लगभग 9 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। फिल्म के निर्देशक और निर्माता एसएस राजामौली ने कथित तौर पर फिल्म से 30% लाभ का हिस्सा लिया है। आरआरआर बॉक्स ऑफिस। एसएस राजामौली की फिल्म ने रिपोर्ट्स की माने तो जूनियर एनटीआर, रामचरण और आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म की कमाई बाहुबली की प्री रिलीज बिजनेस से भी डबल है। बाहुबली ने रिलीज से पहले 500 करोड़ का बिजनेस किया था। बाहुबली के बाद अब डायरेक्टर एसएस राजामौली की अगली फिल्म आरआरआर का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि रिलीज से पहले ही इसे नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जूनियर एनटीआर, रामचरण और आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म ने पहले ही 900 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इस 900 करोड़ में थिएट्रिकल, डिजिटल, म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स शामिल है। आइए विस्तार से समझे। थिएट्रिकल राइट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने 165 करोड़, नॉर्थ इंडिया ने 140 करोड़, निजाम टेरिटरी ने 75 करोड़, तमिलनाडु ने 48 करोड़, कर्नाटक ने 45 करोड़ और केरल ने 15 करोड़ में राइट्स खरीदे हैं। वहीं ओवरसीज राइट्स 70 करोड़ रुपए में बिके हैं। इस तरह थिएट्रिकल राइट्स का टोटल 570 करोड़ है। डिजिटल और बाकी राइट्स बात करें डिजिटल राइट्स की तो ये सभी भाषाओं में 170 करोड़ में बिके हैं, जबकि सैटेलाइट राइट्स 130 करोड़ में बिके हैं। म्यूजिक राइट्स 20 करोड़ में बिके हैं। इस तरह कुल मिलाकर 890 करोड़ में फिल्म के राइट्स बिके हैं। फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें हैं। यही नहीं, उम्मीद की जा रही है कि फिल्म जो कि दशहरा के मौके पर रिलीज होनी है कि ओपनिंग कमाई 350 करोड़ तक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो मेकर्स 500 करोड़ के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म कैसा परफॉर्म करती है।